दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक म्यूजिकल जोड़ी लगातार सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं सचेत परंपरा टंडन की जोड़ी के बारे में, जो अपने गानों और म्यूजिक की वजह से हर जगह ट्रेंड में हैं। दोस्तों, सचेत और परंपरा दोनों पति पत्नी हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और काफी ज्यादा लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद करने लगे हैं। बीते दिनों इनके द्वारा गाए गए कई गानों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। आज हम आपको इन दोनों की जीवन से जुड़ी कई जानकारियां बताने वाले हैं। दोस्तों, सचेत और परंपरा की जोड़ी का असली नाम सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर है। दोस्तों, सचेत टंडन का जन्म 17 अगस्त 1990 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक पंजाबी परिवार में हुआ और वहीं परंपरा ठाकुर का जन्म 28 फरवरी 1992 को दिल्ली नोएडा में एक ठाकुर परिवार में हुआ। सचेत ने अपनी स्कूली पढ़ाई लखनऊ में और आगे की पढ़ाई लखनऊ के फिडेलस कॉलेज से प्राप्त की और परंपरा ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली में और आगे की पढ़ाई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से प्राप्त की। सचेत को बचपन से ही गाने गाने का बहुत शौक था और यह मन ही मन ठान चुके थे कि बड़े होकर सिंगर बनेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल GNG हिस्ट्री में। सचेत जब कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने अपना कॉलेज का बैंड ज्वाइन कर लिया और कॉलेज फंक्शन में गाया करते थे। उन्होंने कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, पर उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी और हर बार किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट हो जाया करते थे, जिससे यह काफ़ी निराश हो गए थे। फिर एक सुबह सचेत ने द वॉइस इंडिया शो में ऑडिशन दिया और आखिरकार इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, जिनमें इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। यह वही शो था जिसमें परंपरा ठाकुर भी सिलेक्ट हो गई थी। इसी शो से दोनों का आपसी परिचय हुआ था। सिलेक्ट होने के बाद सचेत टंडन ने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और शो के सेकेंड रनर अप रहे। शो खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद यह दोनों एक पार्टी में मिले और आपसी बातचीत करके प्लान बनाया कि उन्हें साथ मिलकर कवर सॉन्ग या एल्बम सॉन्ग बनाना चाहिए। इसके बाद यह दोनों मुंबई आ गए और कवर सॉन्ग के लिए दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। लगभग 1 साल बाद इस जोड़ी को अक्षय कुमार की एक फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में गाना गाने का मौका मिला, जिसमें इनके काम को सभी ने बहुत पसंद किया। इसके बाद यमला पगला दीवाना 2, बत्ती गुल मीटर चालू और पल पल दिल के पास फिल्म में गाने गाने का मौका मिला। लेकिन साल 2019 इन दोनों के लिए बहुत ही लक्की साबित हुआ, क्योंकि इस साल इन्होंने कबीर सिंह फिल्म का बेख्याली सॉन्ग गाया, जो बेहद ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुआ। सचेत बताते हैं कि उनकी और परंपरा की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है। उन्हें परंपरा से हर बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती और परंपरा इनकी बात को बिना कहे ही समझ लेती हैं। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि हमारा प्रोफेशन एक है और हमारी थिंकिंग भी सेम है, इसलिए उन्हें आपस में जुड़ने में कोई समस्या नहीं हुई। सचेत और परंपरा ने मुंबई में एक साथ लगभग 5 साल तक काम किया। साथ साथ काम करते करते इस जोड़ी ने एक साथ जीने का कब फैसला ले लिया इन्हें खुद भी नहीं पता चला और 27 नवंबर 2020 को इन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।